अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं आमना व्लॉग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं फ्रूट चाट। फ्रूट चाट के लिए मैं सारे जो भी मेरे घर में अवेलेबल थे फ्रूट्स वो लेके रख लिए हैं। अब हम करते हैं इसकी कटिंग और बताते हैं इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले करते हैं फ्रूट की कटिंग। तो व्यूअर्स, सारे फ्रूट मैंने कट कर लिए हैं, कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा वो ऐसे ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो ये फ्रूट सारे मैंने कट करके रख लिए हैं। तो साथ मैं इसमें डालूंगी मायोनीस ली है, साथ मैंने एक क्रीम का पैक लिया है। तो इन दोनों को मिक्स करते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम क्रीम, सारी क्रीम इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने तीन चार चम्मच क्रीम ली है, अब इसमें तीन से चार चम्मच डालूंगी मैं मायोनीस। ये मैंने मायोनीस भी इसमें ऐड कर दी है। 4 टेबलस्पून क्रीम है, 4 टेबलस्पून है मायोनीस। अब करते हैं इसको मिक्स। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें हम ब्लैक पेपर। अब इसको करते हैं मिक्स। अब मैंने इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से बीट कर लिया है। ये देखो, सॉफी सॉफी सी बन गई है। ये देखिए जी, ये मैंने अच्छे से बीट की है। ये देखें जी, कैसे सॉफ्ट सी लुक आ रही है इसकी। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स बीट किया है। ये रेडी हो चुकी है। अब सबसे पहले इसमें हम ऐड कर रहे हैं सेब ऐड कर देंगे, साथ हम ऐड करेंगे अमरूद ऐड कर देंगे इसमें। अमरूद ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे खरबूजा। खरबूजा भी आ गया है, खरबूजा ऐड कर देंगे इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे केले जो मैंने कट करके रखे थे वो ऐड कर दूंगी। केले भी इसमें सारे डाल दिए मैंने। और एंड में डालूंगी मैं इसमें स्ट्रॉबेरी, इतना ज़बरदस्त कलर है इसका, तो ये इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए, अब वो जो मैंने क्रीम बना के रखी थी, मायोनीज और क्रीम, बीच में ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के थोड़ा सा दूध डाला है थोड़ी सॉफ्ट करने के लिए, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। ज़बरदस्त सा लुक आया है ऊपर जी। अब इसको हम मिक्स करेंगे। पहले हम करते हैं इसको मिक्स, ध्यान से बाहर ना निकले किरे। इसको हम करते हैं मिक्स अच्छे से। सब फ्रूट्स का कैसा ज़बरदस्त सा लुक और ज़बरदस्त सा आ रहा है टेस्ट, इतनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है इसकी। और अच्छे से मिक्स करते हैं। तो हम इसमें 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे चीनी के, 1 टीस्पून और शामिल कर देते हैं। अब इसको करते हैं मिक्स। जूसी सी मज़ेदार सी क्रीम चाट आपकी हो गई है तैयार। तो व्यूअर्स, क्रीम चाट तैयार है, ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। आप भी घर में ट्राई करके बना सकते हैं ऐसी। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में कुछ ना कुछ डिफरेंट खाने को दिल करता है और फ्रूट चाट बनती रहती है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी भी इसी नेम से है, आमना व्लॉग, साथ उसमें 786 ऐड है, वो मैं
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से मेरी आईडी भी देख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।